और अगर अगले छह महीने का जो अभी कार्यक्रम है उसमें 13,000 की भर्तियों का रिजल्ट भी निकला 29 से पहले पहले दो चार दिन आगे हो सकते हैं तो कई उसमें कोशिश बात करती है। हमारे प्रोग्राम में यह है कि हम लगभग 6 और 14, 20 और 28 29,000 भर्तियों का रिजल्ट ये आने वाले 8 महीने करने वाला है। मैं आपको इन एडवांस करता हूँ, काम नहीं हो गया। इन भर्तियों को रोकने का काम किसने किया? इन भर्तियों को रोकने का काम इस हरियाणा में भर्ती रोको गैंग बना हुआ है। और ये भर्ती रोको गैंग हर क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं जो बनाई जाती है, नई व्यवस्था हमने बनाई, हमने सीईटी को लागू, हमने ग्रुप डी की शर्तें एक कर दी, इसी प्रकार ग्रुप सी की भी कुछ पोस्टों को मिला करके शर्तें सरल कर दी। हमने ग्रुप डी में कहा कि हर साल के बाद आप ट्रांसफर करके डिपार्टमेंट बदलना चाहें डिपार्टमेंट बदलने, स्थान बदलना चाहें स्थान बदलने, क्योंकि ग्रुप डी सबसे छोटी कैटेगरी का कर्मचारी बना है। अब उसको सुविधाजनक स्थान पर सुविधाजनक तरीके से डिपार्टमेंट उसको मिलता तो हमको भी अच्छा लगता है। और अभी हमने पिछला जो 18,000 भर्तियाँ हुई थी 18,000 उस समय की भर्तियों का पहला जो हमने ट्रांसफर ड्राइव चलाया 2600 लोग उन्होंने अपने डिपार्टमेंट बदले। तो जब एक फॉर्म भर्ती होती है उस समय तो वो ले लेता है, क्या उसको मिलती है वही ले लेता है, बाद में कहता है ये डिपार्टमेंट मेरे लिए ठीक नहीं। उदाहरण के लिए हमारे अटेंडेंट जो एनिमल अटेंडेंट क्या करते हैं, एनिमल अटेंडेंट जिन्होंने भर्ती ऑप्शन भर दी थी हमको हिसार में लुआस में जाके लुआस में डीएलएफ में एनिमल अटेंडेंट जाएंगे, उनको लगा कि एनिमल अटेंडेंट तो डॉक्टर का जो ट्रेनिंग होता है वैसा होगा। वहाँ जाकर के उनको लगाया कि जो गुए हैं भैंसे इनकी सेवा करो, सेवा करते हो गोबर भी उठाओ साफ भी करो। एनिमल अटेंडेंट तो अटेंडेंट है, अब वो हाथ खड़े करके जी नहीं है इस काम के तुम आए नहीं। हमने कहा नहीं आया तो जब तक हो जब हम भर्ती का ट्रांसफर आपको ऑप्शन देंगे यहाँ से कहीं और चले जाना, नहीं आए तो जो आए। अब आगे से उनको पता लग जाएगा भी एनिमल अटेंडेंट ये होता है तो उनकी भी प्राथमिकताएँ हो जाती हैं। अब इसको मैं अदरवाइज ना लेना, एक हमारा नौजवान ग्रुप डी में सारी और वहाँ किसी एक डिपार्टमेंट नाई की जरूरत थी, अब वो ऑप्शन में उसकी नाई आगे मैंने किया विश्वास करने का हेतु यही है कि इसके इंटरव्यू खत्म कर दो डी के भी सी के भी और ये अपने एग्जाम दे सकते हो और एक साथ एक तरीके से टेस्ट हो जाए उस टेस्ट में सेकेंड एग्जाम के लिए 4 गुना दे सकते हो। 4 गुना में 25% लोग आने हैं और स्वाभाविक है कि जब 4 गुना लेंगे तो उसमें जो 25% बेस्ट अवेलेबल होंगे अगले एग्जाम में वो आ जाएंगे। कुछ लोगों ने डिमांड की 4 गुना कम है जी, 5 गुना कर दो, 10 गुना कर दो। भाई 25% लेने हैं, 100 में से 25 या 125 में से 25 लाख 100 से 125 में से कुछ आएगा संभावना तो कम है, फिर भी डिमांड एक आई है। नेक्स्ट टाइम 4 नवंबर को करेंगे, इसलिए भर्तियों के अंदर हम ना पीछे हैं ना कभी पहले थे ना अब हैं और नई भर्तियाँ हमारी मेरिट के हिसाब से चल रही हैं, मेरिट के हिसाब से चलेंगी। एक टीम का इस हरियाणा प्रदेश हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 7,229 पहुँचे हैं 5 साल के अंदर। श्रीमान वहाँ पर चेयरमैन बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ 963 अपॉइंटमेंट हुई। अब देख लो कि 5 साल में 7,500 पोस्टों के बाद 963 अपॉइंटमेंट हुई हैं और 5,400 अपॉइंटमेंट ऐसी हैं जिनको री एडवाइजमेंट किया गया है। इनको पता नहीं कितनी बार आप उसको पब्लिश करते हैं सब कुछ है, 2019 से लेकर प्रेसिस करके और फाइनली कहते हैं कि बाकी पोस्टें भर देंगे। ये तो रिक्रूटमेंट का आपका सिस्टम वहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर क्या हो रहा है, किस बात के लिए हो रहे हैं? फॉरवर्ड कमीशन ये सिटिंग दिया कि 5 साल के अंदर वो सिर्फ 900 भर्तियाँ करता है के जो एच के आर एन में भर्ती हो रही है और आप